आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज है हिंदी दिवस, तो आज इस अवसर पर मैं छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया से करवाती है। माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया से करवाती है। आओ अपनी राष्ट्रभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए, आओ मिलकर हिंदी दिवस मनाए, आओ मिलकर हिंदी दिवस मनाए। अगर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए हिंदी को बचाना है, तो हमें अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना होगा, और हिंदी बोलते वक्त कभी भी हीनता का अनुभव नहीं करना होगा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस पंक्ति को साकार बनाना होगा। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।